कैसे हैं बच्चों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन के कारण आप लोगों का स्कूल, कोचिंग एवं अन्य शिक्षण संस्थान बंद है और ये कब खुलेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में भी आप लोग घर बैठकर अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्लास 10th और 12th के बच्चों को हो रहा होगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि उनका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आसान आएंगे, मुश्किल आएंगे, क्या कोई ज़रूरी है कि आसान ही आएगा, क्या सिलेबस में कुछ कमी आएगी, ऐसा बहुत सारे दिमाग में उनके क्वेश्चन चल रहा होगा। और अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी तक CBSE को भी ये क्लियर नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, कब तक आपकी स्कूलें बंद रहेगी, उसी अनुसार वो क्या करते हैं, वो डिसीजन वो बात का बात है। मैं अपनी तरफ से ये दोनों क्लासेस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पर। प्यारे बच्चों, कम से कम हम उन सब चैप्टर को यहाँ पर कवर कर लें जो आसान है और जिसे आप घर बैठकर पढ़ भी सकते हो। उसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड करा दूं ताकि आप घर बैठ के ही उसकी पढ़ाई कर सको। तो मैं इस कोर्स में क्लास 10th का सबसे आसान, सबसे लास्ट जो टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको मैं कवर करूंगा। एक कंप्लीट कोर्स होगा, ढेर सारे वीडियोज का एक प्लेलिस्ट होगा जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोज बाय वीडियोज आपको देखना है, उसको प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाना है, क्वेश्चंस अराइज होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जो बच्चे मुझसे टच में हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, उन सब के लिए मैं स्पेशली ये बना रहा हूँ, तो उनके पास मेरा फ़ोन नंबर भी होगा, वो मुझे फ़ोन करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। बच्चों, बहुत कम उम्मीद है कि सोर्स ऑफ एनर्जी आपके क्लास में कवर हो पाएगा, क्योंकि वो अगर लास्ट में समय बचा तो इसको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये आसान टॉपिक होता है, उम्मीद किया जाता है कि बच्चे खुद से इसे पढ़ ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, पिछले साल मैंने पढ़ाया था पर इस साल इतना समय चला गया, अगर समय बचता है तो इसको ज़रूर कवर किया जाएगा आपके क्लास में भी, पर ये होगा कि नहीं होगा ये अभी पता नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो से ही इस चीज़ों को कवर करने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग जब फिजिकल क्लास में आएंगे, जब आप मेरे कोचिंग में या फिर मेरे स्कूल में आपसे मुलाकात होगी, तो वहाँ पर भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इसको, अगर हमारे पास समय मिला तो। तो बच्चों, इसको सीरियसली लें, क्योंकि यही आपका प्रिपरेशन है, ये आपकी तैयारी है बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको इसी को देखकर, इसी से पढ़ के आपको जवाब लिखने पड़ेंगे। मैंने पूरा कोशिश किया, पूरा स्ट्रिक्टली NCERT सिलेबस को उठाया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान आएगा, क्योंकि आपके पास समय पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए नहीं मिला है, तो क्वेश्चन आसान आना चाहिए। तो NCERT सिलेबस में स्ट्रिक्टली मैं चिपका हूँ और NCERT बुक को ही फॉलो किया है मैंने। सारे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि भाई पढ़ना है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये चैप्टर, आप पढ़ के समझ सकते हो, समझा तो मैं रहा हूँ। क्या लिखना है, कैसे पैटर्न में लिखना है, क्वेश्चन पेपर में आंसर कैसे लिखना है, वो मैं पॉइंट वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देने की यहाँ कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर 14 है NCERT के बुक में, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th में तो आप लोग इसे पढ़ ही रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी आपका एक पेपर सोर्स ऑफ एनर्जी का होने ही वाला है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन करें। इसके बाद यदि आप कोई कंपटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ भी सोर्स ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं गेट का एग्जाम, मैंने बीटेक किया है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। फिर गेट का एग्जाम में भी आपको सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, ESC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का मैंने एग्जाम दिया, उसमें भी क्वेश्चन आया। तो आपको यहाँ से शुरू हुआ है और ये आता चला जाएगा, और अच्छी बात ये है कि आपको बदलेगा नहीं सिलेबस, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी में कंटेंट, चीज़ें, टॉपिक जो है उसका वही पढ़ना होगा आपको। उसमें आप जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, उतना बेहतर बात है। MTech में भी मेरा एक पेपर था सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, उसका भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने, उस पर को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया है, वो भी मेरा इसी चैनल ASK मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो चैनल ऊपर का नाम ऊपर फ्लैश हो रहा है, उस पर जाके आप उस प्लेलिस्ट को आप ढूंढिएगा, नीचे आपको मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे, तो वहाँ पर जाके आप और भी डिटेल में देख सकते हैं। उसका भी जनरली जो भी कंटेंट आपको ज़रूरी था वहाँ से ही मैंने इसमें डाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप सीनियर बच्चे हैं, आप हायर क्लासेस के बच्चे हैं, तो आप वहाँ जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आप समझ सकते हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी लेवल के बच्चे हैं, हर किसी के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, आप मैट्रिक में हो, आप इंटर में हो, किसी भी लेवल पे आप हैं, आपके लिए चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो इसको सीरियसली लें, ढंग से लें। ये पता भी नहीं है कि समय नहीं आपका है तो मैं आपको टेंथ में पढ़ा भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, आपको कोचिंग में या फिर आपके स्कूल में आपको पढ़ा पाऊंगा, उसके लिए समय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं है, ठीक है। तो आप इस कोर्स को अच्छे से देखें और लें। अब आते हैं टॉपिक पे, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या है इसमें ऐसा जो ये इम्पॉर्टेंट है, आखिर क्यों गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है। तो क्लियर है, सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे भाई आज के समय में वही राजा है जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास एनर्जी है वही ताकतवर देश है, वही डेवलप कर सकता है। आज जो मारा मारी है वो एनर्जी की मारा मारी है। एनर्जी रिसोर्सेस कमते जा रहे हैं, लोगों का डिमांड बढ़ता जा रहा है, लोगों की जो इच्छा चाहत इरादा है वो बढ़ता जा रहा है लोगों का, और एनर्जी का लिमिटेड रिसोर्सेस है। भगवान ने दिया है, उसका अनलिमिटेड ढंग से आप व्यय कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो, तो वो आपको महंगा होता चला जा रहा है। लोगों को फैसिलिटी चाहिए, लोग चाहते हैं कि उसका सारा काम कोई और कर दे, तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं से लाओगे, कहाँ से आएगा, अपने आप तो काम होगा नहीं। काम करना है तो आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। आप अगर आप फिजिकल वर्क करो, अपने शरीर से एनर्जी लगाओ, या फिर कहीं किसी और एनर्जी को आप ख़त्म करो, तो एनर्जी को आप जाया कर रहे हो। अब अलग बात है कि आप कहोगे कि सर एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी बर्बाद कैसे हो रहा है। एनर्जी बर्बाद नहीं होता, एनर्जी डिग्रेड होता है। एनर्जी डिग्रेड होकर इस फॉर्म में चला जाता है कि फिर वो आपको बर्डन नहीं दे सकता, आपसे उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। एक और जानकारी दूं बच्चों आप लोगों को, मैंने जो मुझे जिन्होंने पढ़ाया है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, वो मैं एक रिसर्चर से पढ़ा हूँ। उनको आप नाम से बाय नेम तो आप नहीं जानते हो, पर वो रिसर्चर थे और इसी फील्ड में रिसर्च कर रहे थे। जब मैं एमटेक के लिए आगे जब गेट और ईएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, उस वक्त मैंने जिनसे ये सोर्स ऑफ एनर्जी को डिटेल में पढ़ा था, वो एक रिसर्चर थे, और उन्होंने कहा था कि अभी जो सबसे ज़्यादा स्कोप है रिसर्च का वो इसी में है। यानी कि कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा फील्ड यही है, क्योंकि इसकी डिमांड है, लोगों चाहिए, भाई आपको करना क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बहुत सारे पता हैं, आपको उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, उसका इस्तेमाल में कैसे लाया जाए, उससे सारे जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट है जो डेली लाइफ के, उसको उस सोर्स ऑफ एनर्जी से यूज करके हम कैसे पूरा कर लें, इसको बस आपको ढूंढ निकालना है। इस रिसर्च को अगर कर लेते हैं आप, तो समझिए कोई भी छोटा सा रिसर्च करने का मतलब होता है उसको पेटेंट कर लेना, उसका अगर इस्तेमाल होता है उस मशीन का, तो आपको बैठे बैठे पैसे आते रहेंगे। तो आज आपके पास स्कोप है, जो सबसे अच्छा कैरियर स्कोप है वो है इस फील्ड में रिसर्च का। रिसर्च पर सरकार अच्छी खासे पैसे खर्च करती है। पैसे खर्च करने का मतलब है आप अगर रिसर्च करते हैं सरकार के लिए तो आपको वो सैलरी देती है। जैसे मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मुझे सरकार सैलरी देती थी जब मैं सरकार के लिए रिसर्च करता था। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है और आप किससे पढ़ रहे हैं और इसको कितना सीरियसली आपको लेना है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन आप देख रहे होंगे कि कितना मैंने इसको पिक्चर डाला है, कलरफुल बनाया, ताकि आपके दिमाग में, चूंकि बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है, मैं कोई बीटेक होल्डर डिग्री होल्डर के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये बच्चों के लिए बनाया, तो मैं इसे क्रिएटिव बनाने की कोशिश किया ताकि आपके दिमाग में तुरंत अट जाए, आप बोर ना हो, आप इंजॉय करें इस चीज़ को, ठीक है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखें, बस आलस ना बरतें। आलस बरतोगे तो ज़बरदस्ती तो कोई दिखाएगा, जब तक आप खोलोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब अच्छा नहीं लगेगा आपको। अच्छा लगना तो बात की बात है, जब खोलोगे तब तो इसको सीरियसली लें, पूरा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, ठीक है। कहीं भी बोरिंग नहीं लगेगा, जबकि चैप्टर है बोरिंग, पर कहीं भी आपको बोरियत फील नहीं होगा। हर जगह मैं इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको देता रहूंगा, हर चीज़ को मैं पिक्चराइज करूंगा, ठीक है, ताकि आप विजुलाइज कर सको। हाँ, वीडियो चला पाना यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है, वीडियो अलग से डला रहेगा मेरे चैनल पे, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, पर यहाँ पे प्लेलिस्ट में ये पीपीटी है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें वीडियो प्ले नहीं किया जा सकता है। वरना मैं, अगर आपको कभी मौका मिला, अगर मेरे कोचिंग में आप आए, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू भी उसको दिखा कर समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल वो बस जाए, एक ही बार में अट जाए, फिर आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा मोबाइल दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हो, मैं हूं एस के आजाद, अभिनंदन कुमार आजाद मेरा नाम है। मैं इंट्रोडक्शन ही मैं एक बार आपको दे देता हूँ, एक बार अगर आप लोग पहली बार मुझसे देख रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को देख लीजिए,
ठीक है, मेरा नाम है अभिनंदन कुमार आजाद, मैंने बीटेक कर रखा है, बीआईटी मिश्रा से एमटेक कर रखा, थर्मल इंजीनियरिंग में ही मैंने एमटेक किया, यानी कि यही सब एनर्जी और एनर्जी के बारे में मैंने एमटेक में ही पढ़ाया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। गेट क्वालिफाइड मैंने कर रखा है, मैंने 4 टाइम गेट क्वालिफाइड किया था। गेट क्या है, जो बच्चा 10th के वो भी जान लीजिए, उनके लिए भी करियर में फ़ायदा करेगा। ये आपका जो एग्ज़ाम होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, ये इंजीनियर्स के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम होता है एमटेक में एडमिशन के लिए और फिर आपके जॉब के लिए रिसर्च में फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो उसके मैं गया था तो इसको क्वालिफाई मैंने किया था, ठीक है। ये क्वालिफाई, ये इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, इस कंडक्ट आईआईटी कराता है, जिस आईआईटी का एग्जाम आप आईआईटी जेई देने जाते हो, जिसे जेई एडवांस देकर आप क्वालिफाई करके आईआईटी में एडमिशन लेने जाते हो, वही आईआईटी इसको भी कंडक्ट करता है। तो जिस आईआईटी का एग्जाम आप 12th level पर देते हो, उसी आईआईटी का एग्जाम हम लोग जब ग्रेजुएशन लेवल पर देते हो तो उसको आप गेट कहते हैं, ठीक है, जो आईआईटी ही लेता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद मैंने बताया था कि आपको रिसर्च करना गवर्नमेंट के लिए आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको पैसा भी देती है। तो उस वक्त जब मैं रिसर्च करता था, ठीक है, जब मैंने 2016 के करीब, मैंने 2016 में कंप्लीट कर लिया था, 2014 से 16 के बीच, ठीक है, तो उस दौरान भी मुझे देती थी 12,400 रुपये का वो मंथली देती थी, ठीक है। तो भाई पहले तो आपको डिग्री दे रही है, ऊपर से सैलरी भी दे रही है, तो कम थोड़े ना है। तो चलिए, ये था मेरा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा ये मेरा YouTube चैनल है, अगर इस पर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी और चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं तो आप इस चैनल पे भी जाइए, इसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोज उस पर आगे के वीडियो जो आएंगे वो उस पर आएगा, ठीक है, क्योंकि हर चैनल पर वीडियोज को अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश तो करूँगा पर वो पॉसिबल नहीं क्योंकि डेटा का भी प्रॉब्लम है, हर जगह एक ही वीडियो को अपलोड कर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल पे आ जाइए, इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, यहाँ पे भी आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जब मैं लाइव इसको अपलोड करूँ तो आप लाइव ही वीडियो को देख ले, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लाइव ही वीडियो को देख लें, ताकि आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसी वक्त आपको उसका जवाब मिल जाएगा वीडियो में ही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है, जो मैंने भी अपना बच्चों से क्वेश्चन पूछा था जिसके बारे में, वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है, कि आप किसको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते आएंगे, जैसे गुड फ्यूल के प्रॉपर्टी क्या होंगे, गुड फ्यूल के प्रॉपर्टी अलग होगा। यहाँ पे हम सोर्स ऑफ एनर्जी को ही सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने स्टार्ट किया है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आएगा कि अब सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबसे पहला है वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास, ठीक है, यानी कि छोटा सा मास से भी हम बहुत ज्यादा वर्क कर पाए, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसी को बेहतर मानेंगे जिसका छोटा सा वॉल्यूम, यानी छोटा सा, तो इतना सा ले लें तब भी उससे हमारा ढेर सारा काम हो जाए, ढेर सारा बल्क हम उठा के नहीं के सिलेंडर लेके चलना ना पड़े, ठीक है, तो उसे हम बेहतर करेंगे क्योंकि हमको ढोना कम पड़ रहा है, उसको हम हैंडल कम को करना पड़ रहा है, कम वॉल्यूम को स्टोर करना पड़ रहा है, काम अधिक से अधिक चल जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, अच्छा सा सोर्स ऑफ एनर्जी, अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। दूसरा है बी इजिली एक्सेसिबल, भाई हमारे पास है उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सन दे दिया तुम्हारे, लो सूरज है तुम्हारे पास, कर लो खाना बना लो, बना लोगे, ठीक है, लो सूरज है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लो, कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए जिसको हम एक्सट्रैक्ट, देखो सोर्स आपके पास एनर्जी भरा पड़ा है, आपके पास पास भगवान इतनी एनर्जी आपको दे रखी है, पूछो मत, कभी ना खत्म होगा, तुम मर जाओगे एनर्जी ना खत्म होगा धरती पे, ठीक है। आप सन से, मैंने तो पूरा कैलकुलेट किया ना एमटेक में, ठीक है, एसी में कैलकुलेट करना था कितना आपको एनर्जी फ्लस का आ रहा, तो 1 meter square में इतना एनर्जी आता है कि एक इंसान का पूरा दिन भर का वो काम उससे चल जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, इतना एनर्जी सिर्फ सन देता है। इसके अलावा अगर सन से भी आपका मन ना भरे, सन तो आपको दे ही देगा, मैंने जितनी रिक्वायरमेंट है एक सन आपको, वो जितना आप एनर्जी बर्बाद करते हो, जितना यूज करते हो, उतना अकेले सन 1 meter square एरिया में वो उतना एनर्जी आपको प्रोवाइड कर देता है। सोचिए कि मान लीजिए सन से हमारा काम ना चलेगा, हम क्या करें, तो अगर हमको सन पसंद नहीं है तब भी आपके धरती के अंदर लावा है, लावा ढेर सारी थर्मल एनर्जी को का वो स्टोर है, उससे आपकी रिक्वायरमेंट जिंदगी भर की पूरी हो जाएगी, ठीक है, हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा वो, तो हर जगह ऊपर नीचे हर जगह तो एनर्जी एनर्जी भरा पड़ा है, पर एनर्जी के होने से काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, एनर्जी है तो पर उसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि अब हमको इतना गड्ढा ढूंढ खोदना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके हम उस एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल
कर पाएंगे। तो ये हमको बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा कि एनर्जी का होना महत्वपूर्ण नहीं है, एनर्जी का हम इस्तेमाल कर पाएँ वो ज़रूरी है। तो पहला क्या था कि भैया हमको छोटा सा अमाउंट, छोटा सा हम मास लें, छोटा सा वॉल्यूम में ही सारा इतना आ जाए सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे होनी चाहिए जो छोटा सा वॉल्यूम ही बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए सफिशियंट हो। ठीक है, जैसे छोटा सा बम ढेर सारा कारनामा कर देता है, ठीक है, बहुत बड़ा बम लादने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसके बाद क्या हो, इजीली एक्सेसिबल हो। दूसरा क्या है, बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, एनर्जी तो है पर कहीं ले ही नहीं जा सकते, तो गवर्नमेंट सप्लाई कैसे करेगी, कहीं पे है जहाँ पे है वहीं के लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, फिर फायदा क्या है। ठीक है, तो ईजिली स्टोर होना हो जाना चाहिए और ट्रांसपोर्ट करना भी उसका ईजी होना चाहिए। ठीक है, इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा उसका एनर्जी स्टोर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एनर्जी पर मास जो रेशियो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, एनर्जी पर वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर वॉल्यूम कर लो या फिर एनर्जी पर यूनिट मास कर लो, ठीक है, वो काफ़ी हाई होना चाहिए। उसके बाद है बी इकोनॉमिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को बच्चे नहीं बोलते, नहीं समझते, क्योंकि वो पैसे का अभी वैल्यू बच्चे समझते ही नहीं है, वो तो बस पैसा बस पापा से मांगे दे दिए, फलाना सर ट्यूशन में फी मांगे हैं, हाँ पापा दीजिए पैसा 50,000, कोई मतलब ही नहीं है 50,000 कैसे कमाया जाता है। तो यहाँ पे उनको ये समझना पड़ेगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल होना चाहिए। एनर्जी रहेगा बहुत है, महंगा बिकेगा, एक गरीब आदमी जुम्मन नहीं कर पाएगा उसका, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, अब रॉकेट साइंस उठा लो, रॉकेट जिस फ्यूल से उड़ता है क्या वो फ्यूल तुम गरीब लोग जला लोगे घर में, नहीं जला पाओगे। जिससे आपका प्लेन उड़ता है क्या उसको घर में जला पाओगे, आप कहोगे सर कोयला से काहे नहीं प्लेन उड़ा लेता है, अरे बेवकूफ़ कोयला को ढो के प्लेन उड़ा रहा है वो, ऊपर ले जाके इतना कोयला उठा के ले जाओगा वो, तो और क्या चाहेगा कि हल्का हल्का सा रहे फ्यूल, कैसा रहे, हल्का रहे ताकि हम ऊपर उड़ा सकें। ठीक है, तो हर जगह हर फ्यूल का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो हमें ये सब चीज़ें समझना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन भी करते जाइए क्योंकि इसको आपको रटना भी है पढ़ना भी है। ठीक है, आपको हर वक्त याद नहीं रहेगा, हाँ वीडियो है जब आपको भूल जाओ आपको समझ में ना आने लगे तो आप वीडियो देख के एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, पर नोट डाउन करते जाइए सारे चीज़ों को, वीडियो को पॉज कीजिए तब अच्छे से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप छोटे बच्चों, मैं जब देखो बाकी सब मेरे वीडियो देखो, जब मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना बीटेक एमटेक वाले बच्चों को तो बहुत ही फास्ट पढ़ाता हूँ, पर आप लोग चूँकि छोटे बच्चे हो तो आप लोगों को बहुत ही थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, देखिए वहाँ पे था गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे है गुड फ्यूल, अंतर है दोनों में। ठीक है, आपको सब चीज़ एक जैसा लगेगा, काला अक्षर भैंस बराबर सब एक जैसा, पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें अंतर रहेगा, इसके आंसर्स में भी अंतर रहेंगे, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और सब में एक ही चीज़ लिखोगे तो वो भी एवरेज मार्क देके निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला आपका है, ये सब फ्यूल्स हैं कुछ जिसके पिक्चर आपके सामने, तो मैंने सारे पिक्चर के सामने साथ भी आपको दिखाया है ताकि आपको दिमाग में एकदम अट जाए, याद हो जाए। ठीक है, कि फ्यूल्स कौन किसको फ्यूल करता है, डिफिनेशन तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, पर फ्यूल यहाँ पे भी देखते के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूल क्या है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। क्लोरीफिक वैल्यू क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, क्लोरीफिक वैल्यू होता है 1 kg मास को जलाने के बाद जितना हमें हीट मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है, उसी को हम उसका क्लोरीफिक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरीफिक वैल्यू क्या है, 1 kg फ्यूल को जलाने के बाद जितनी एनर्जी हमें रिसीव होता है उसको क्या कहते हैं, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि हर एक फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू आपका फिक्स्ड होता है, तो हमें कैसा चाहिए कि भाई 1 kg जलाएं, भाई मैंने सोर्स ऑफ फ्यूल में क्या बताया था, सोर्स ऑफ एनर्जी में, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में, कि कम वॉल्यूम को जला के हमें ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी मिल जाए, तो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, कम से कम जलाएं, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी मिल जाए, हमारा काम बन जाए। नेक्स्ट क्या है बच्चा, लेस स्मोक, बहुत इंपॉर्टेंट। भैया आपका लकड़ी जला के खाना मम्मी बनाएगी, बनाओगे, बनाने दोगे, हालत ख़राब हो जाता है, पूरा घर में धुआं धुआं भर जाएगा, तुरंत हल्ला करने लगोगे तुम लोग, तो लेस स्मोक फ्यूल ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो लेस स्मोक दे, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, खाना बनाने वाले जो भी फ्यूल को यूज कर रहे हैं वहाँ पे वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहला हाई क्लोरीफिक वैल्यू, देखो मैंने शॉर्ट में भी लिखा है ताकि आपको याद हो जाए टू द पॉइंट। ठीक है, आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा डिटेल में एग्जाम में, यहाँ पे नहीं, फेयर कॉपी पे नहीं,
स्फीयर तो जितना कॉम्पैक्ट रहे उतना ही अच्छा है। कॉम्पैक्ट रहेगा अभी भी आसानी से लिख पाओगे, आसानी से उसको पढ़ पाओगे, पढ़ने में समय कम लगेगा और याद करने में भी समय कम लगेगा। पर एग्जाम में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जब प्रैक्टिस करो लिखने की तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लाइन को बढ़ा कर लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है पर चाहो तो बढ़ा कर लिख सकते हो। तो पहला हाई क्लोरोफिल वैल्यू है, दूसरा है लेस स्मोक और तीसरा है लेस रेसिड्यूल आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद उसका अपशेष कम से कम बचे, क्योंकि बचा हुआ चीज को क्या करोगे, खाओगे, कहाँ फेंकोगे, ठीक है। ऐसे ही कचरा लगाए रहते हो तुम लोग, ठीक है, अपने घर के बाहर कूड़ा करकट फेंकते रहते हो, ठीक है, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा और पॉल्यूशन तो बाद की बात है, फेंकते फेंकते कब तक फेंकोगे भैया, वो ढेर तो लगेगा, फिर कहाँ फेंकोगे उसको, ठीक है। मान लेते बाहर फेंकोगे, फिर वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, फिर कहीं ऑफ जा करके फेंको, फिर वहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर पहाड़ बन जाएगा, एक दो आदमी होता है क्या मोहल्ले में, तो फिर उसको पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं ऐसा गुड फ्यूल हम उसको कहेंगे जो जलने के बाद रेसिड्यू जो बचे, अवशेष उसके जो बचे वो कम से कम बचे। नेक्स्ट है इजिली अवेलेबल, इन सब को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। एक और मैं स्टोरी सुनाता हूँ बच्चों तुम लोगों को, चलो मैं पूरा पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन सा है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। चौथा क्या है, इजिली अवेलेबल, ठीक है, इजिली अवेबिलिटी, उसकी अवेबिलिटी इजिली होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि है तो बहुत अच्छा फ्यूल पर अवेलेबल ही नहीं मार्केट में, क्या करोगे, बस पढ़ोगे क्या आप कॉपी किताब में, फिर वो पढ़ के ख़त्म हो जाएगा, वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको, बस देखो पढ़ो किताबों में देखने को मिलेगा, जब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो इजिली अवेबिलिटी होनी चाहिए उसके, इजिली अवेलेबल होना चाहिए वो। नेक्स्ट है आपका इनएक्सपेंसिव, महंगा ना हो, कोई फायदा नहीं है, महंगा रहा तो कब तक जलाओगे, कितना यूज करोगे, फिर महंगा नहीं होना चाहिए वो, इनएक्सपेंसिव, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा है कितना किलो, कितना रुपये किलो होना चाहिए, इन भाई एक्सपेंसिव भाई डिपेंड करता है कि कौन किस वर्ग का है, उससे तो गरीबों के लिए तो भैया एलपीजी भी महंगा पड़ता है, ठीक है, तो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, महंगा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसा आपको को हम फ्यूल को गुड फ्यूल कहेंगे जो इजिली स्टोर होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता आपसे, मुझसे ही पूछा गया था, बताइए कि हाइड्रोजन से या एल्कोहल, एल्कोहल भी एक फ्यूल है, जलता है वो, एल्कोहल वही तुम कभी कभी पी भी लेते हो, ठीक है, वही अल्कोहल वो जलता भी है। तो सवाल उठता है कि अल्कोहल का इस्तेमाल, अल्कोहल जलने पे ज़्यादा आपको पोल्यूटिंग है, CO2 वगैरह, CO वगैरह नहीं बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है, ठीक है। अल्कोहल तो इस्तेमाल मैंने कम बनाता है, नहीं कैसे बनाएगा, अल्कोहल है तो उसमें तो कार्बन कंटेंट रहता है पर कम बनाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्बन की जगह पर आपने ऑक्सीजन ऐड किया है ना उसमें, ठीक है। तो क्या है हमको, मुझे सवाल ये है कि क्यों ना जो पेट्रोलियम इस्तेमाल में आता है, जो गाड़ी आप चलाते हो, गाड़ी में पेट्रोल डीजल के बजाय आप एल्कोहल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। इस सवाल का जवाब जो ढूंढना क्यों नहीं इस्तेमाल करते, गूगल वूगल करो, खोजो, ठीक है। मैं अगले वीडियो में उसका जवाब बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप ढूंढ नहीं पाओगे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि उससे क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं एल्कोहल का, अच्छा है, शराब आराम से मिलता है, जला लो उसको, ठीक है। तो इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट गुड फ्यूल की एक और प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत हो गया इतना प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी था पर मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि इतने बहुत है, देख रहे हो यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी हो गए हैं आपके, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था ना, मैं हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड से पढ़ा था, उसमें 10 प्रॉपर्टी थे, ठीक है, और एग्जाम में कोई 3 आता था, बहुत ज़्यादा तो 5 आता था, आपको भी 3 आएंगे प्रॉपर्टी लिखने के लिए, ठीक है। अब मुझे 10 याद था, यही स्टोरी है, मुझे 10 याद थे, मैं 10 लिखता था, मेरे पिताजी भी टीचर थे, उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ से 5 पूछा है तो तुम 10 क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा कि मुझे 10 याद है, अब मुझे सारे अच्छे याद है तो मैं क्यों छोड़ूँ, नंबर ना दे पर मैं सारे लिख दूंगा। मेरे पिताजी बड़ा गुस्सा हुए कि जब वो 5 पूछ रहा तो तुम 10 क्यों लिख रहे हो, ठीक है, क्यों ना लिखूँ, मुझे याद है मैं भी जीत रहता था कि नंबर इससे कट जाएगा, गुस्सा में आ जाएगा, उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है तो नंबर काट सकता है वो तुम्हारा, ठीक है, गुस्से में आकर उसको इरिटेट होकर। CBSE नहीं करता है पर बिहार बोर्ड वगैरह बहुत सारे और भी बोर्ड आपके नंबर काट लेते हैं, जो कॉपी चेक कर उसको फास्ट कॉपी चेक करना होता है, ठीक है, उसको ये भी लगता है कि यार इतना लिखा यानी कि बिगाड़ी किया, उसको नहीं आता था, एग्जैक्ट आता तो राइट आंसर लिखता, इसका मतलब उसको आंसर नहीं आता है इसलिए इसने बिगाड़ी किया है। तो मेरे पिताजी से बहुत सारा बहस हो गया, पिताजी ने फिर समझाया कि देखो इसका एक उपाय है, क्या उपाय है कि तुम्हें देखो यहाँ पे क्या क्या है भाई, 2-6 में मान लो तो 3 लिखना था तुम्हें, ठीक है, और तुम चाहते हो 6 लिखो तो कैसे लिख सकते हो, कि जो गुड फूल है इट्स शुड बी,
उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाई क्लोरिक वैल्यू एंड क्या इजिली अवेलेबल। एक ही लाइन में दोनों पॉइंट तुम लिख दिए कि नहीं लिख दिए? क्या होना चाहिए? गुड फ्यूल के इट शुड बी हाई क्लोरोफिल वैल्यू, इट शुड हैव हाई क्लोरिक वैल्यू एंड इजिली अवेलेबल। ठीक है, एक ही लाइन में लिख दिए। इट शुड बी लेस अ स्मोक, शुड हैव लेस अ स्मोक एंड इन एक्सपेंसिव। आप ऐड कर सकते हो ऐसे, इसको ऐड कर सकते हो इसके साथ। क्या होना चाहिए? लेस रेसिड्यूल आफ्टर बर्निंग एंड इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। एंड से ऐड कर दिया तुमने, तीन ही पॉइंट में तुमने छह कवर कर दिए। अगर तुमको याद है तो क्यों छोड़ोगे तुम? ठीक है, और ज़्यादा लिखना भी नहीं है, तो अपना सारा ज्ञान दिखाना भी है, बहुत चतुराई से दिखाना है। देखो हम लोगों का कॉपी लिखा रहेगा ना, तो उसको देख के ही सामने वाला कहेगा ना ये इंटेलिजेंट है, इसको ऐसे ही नंबर दे दो। ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल इतना प्रभाव डाल देते हैं ना। मैं अपना बताता हूँ, साइंस की कॉपी में मुझे बायो का 20 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता था, 20 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता था मुझे। ठीक है, और मेरे नंबर साइंस में कितने आए? 95। कैसे? ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन को इतना इंप्रेसिव ढंग से लिखा जाता है कि बाद में तुम जो आलतू फालतू जो कुछ भी लिखते हो ना, जानते हो ये जो 20 नंबर में था ना, इसमें तो दो चार नंबर, चार पांच नंबर का तो लगता है ऑब्जेक्टिव था, चार या तीन नंबर का ऑब्जेक्टिव था, तो तीन नंबर तो ऐसे ही कट गया बायो में। ठीक है, बाकी उसने कुछ नहीं काटा, दो नंबर कहीं कहीं काटा है वो। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा लिख रहा है, तो बायो में मैंने कहानी कुछ ना कुछ लिखा था, उसमें उसने टिक मारा और नंबर देता गया। ऐसा आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते, सब कुछ पढ़ के याद करके नहीं रह सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे, पर एग्जामिनर के दिमाग से साथ खेलना, आपको दिखाना है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट, आपने सब पढ़ रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर मिल जाता है। तो ये था एक ट्रिक जो आपको काम देगा बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, कंपटीशन में तो भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ वहाँ तो कोई ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे, यहाँ पे इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, तो हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी और चैनल पे अगर आप हैं तो मेरे चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे भी जाइए, नाम आपको दिख रहा होगा एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका होगा, उस चैनल पे जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि उस पर ही वीडियो अपलोड होंगे, उस पर सही समय पे आएगा। बाकी जगहों पर रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सर उसको ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे, पहले मैं उनको सेंड करूँगा, फिर वो अपलोड करेंगे, फिर आप लोगों तक पहुँचेगा। उससे बेहतर है कि आप मेरे चैनल पर आ जाइए, वहाँ पे आपको भाई देखना है। ठीक है, क्वेश्चन भी आप उससे वहाँ पे पूछिएगा तो मैं तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर पाऊँगा। कहीं किसी और चैनल पे अगर आप हैं वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो वहाँ से क्वेश्चन मेरे तक फॉरवर्ड होगा, फिर मैं उसका आंसर दूंगा, फिर वहाँ से पोस्ट होगा, तो उसमें लंबा प्रोसेस लग सकता है। इसके अलावा बच्चों जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं इसको क्लास में पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है छूट जाए, तो हर किसी को देखना है। एग्जाम जो आपका नेक्स्ट होने वाला है उसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ाई नहीं होगा तो आपको पढ़ना नहीं है, वो एग्जाम में आने वाला है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो हर बच्चे तक इसको पहुंचानी आपकी जिम्मेदारी है, तो इसको पहुंचाइए, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जहां पे भी आप हैं वहां पे आप इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, आप जो भी आपकी है फ्रेंड सहेली जो भी है उसके साथ आप इसको शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है, और मैंने बार बार कही रखा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो ये नाम आपको लिखकर सर्च कर सकते हैं, मेरे फोटो के साथ आपको चैनल का नाम मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन वाले में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा आपके जो सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा होगा, उसको आप क्लिक कीजिए, फर्स्ट ही होगा वो। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लव सपोर्ट के लिए, थैंक यू वेरी मच।